आपको बता दें कि 1 जून से पहले भी फोटोज़ और वीडियोस अपने गूगल फोटोज़ पर बैकअप लिया है तो आप 15 GB से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो आपको अगर 15 GB से ज़्यादा आपका डेटा अगर गूगल क्लाउड पे है तो आपको उसका बैकअप कैसे लेना है, हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे इसका बैकअप लेना है हमें। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और खोलते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र पे ओपन करना होगा हमें takeout.google.com। यहाँ पर आपका जिस ईमेल आईडी से बैकअप है उस ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए और फिर पासवर्ड डालिए और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते हुए आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी योर अकाउंट और डेटा का, और इसमें आपके सारा डेटा जितना का भी आप बैकअप लेना चाहते हैं उस पर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा। अब आपको करना क्या है, पहले एक बार हम आपको सारी स्क्रीन दिखा देते हैं कि आप इसमें क्या क्या बैकअप एक साथ ले सकते हैं। ये आपको गूगल फिट का भी दिख रहा होगा, गूगल क्लाउड में सर्च क्या क्या किया आपने वो सारा दिख रहा होगा, गूगल फोटोज़ दिख रही हैं, ये आपको हम ऊपर से नीचे तक सारा दिखा रहे हैं आप क्या ले सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ गूगल फोटो ही चाहिए। तो अब हम चलते हैं ऊपर, इसके बाद करते हैं हम सारा डिसलेक्ट, और सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ हम एक ही सिलेक्ट करेंगे, वो करेंगे गूगल फोटोज़। तो गूगल फोटोज़ पे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करते के बाद हम चलते हैं इसके बॉटम में और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्लिक करते हुए ये आ गया, ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें क्या बैकअप लेना है और कैसा लेना है। हम पहले इस पर रहने देते हैं, क्लिक एक्सपोर्ट वंस पे, और उसके बाद हमें ये फाइल टाइप साइज में जीपी रहने देना है, और फाइल कैन बी ओपन ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटर, इस पर हमें 2 GB रखना है। हालांकि हम इससे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन गूगल की फ़ोटो अगर आप कोई भी डाउनलोड करें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 2 GB रखेगा। अगर आप 2 GB से ज़्यादा रखते हैं तो डेटा करप्ट होने का डर रहता है, और हो सकता है अगर आपके डाउनलोडिंग स्पीड कम होती है तो उस समय भी डाटा आपको कम हो सकता है, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो हम 2 GB पर ही सिलेक्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद करते हैं क्रिएट एक्सपोर्ट, और क्रिएट एक्सपोर्ट करके हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी एक्सपोर्ट प्रोग्रेस। इसमें लिखा आ जाएगा सामने, गूगल इज़ क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ फाइल्स फ्रॉम गूगल फोटो, दिस प्रोसेस कैन टेक ए लॉन्ग टाइम। ये डिपेंड है कि आपके स्टोरेज पे कितना डाटा है, और उसके बाद यू विल बी रिसीव एन ईमेल व्हेन यू एक्सपोर्ट इज़ डन। जब ये डन हो जाएगा तो आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगा। तो अब यहीं से हम क्रिएट अनदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर हमें सपोज़ हम भूल गए हैं कि हमें वो भी लेना था, तो कोई और डेटा इसमें साथ में अगर आप उसका बैकअप भी लेना चाहते हैं तो वो आप यहां से भी साथ साथ में कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हम बैक चलेंगे और चलेंगे हम अपना ईमेल पे, ये हमें ईमेल पे एक कॉपी आ जाएगी और वहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अपना जीमेल खोलते हैं, और जीमेल पे हमें ईमेल आ गया है। ईमेल पे देखते हैं कि ये जीमेल पे हमें 2 GB की 9 या 10 फाइलें दे दी हैं, ये टोटल हमारा 38 GB में आ रखा है। तो अब हम इस पे करेंगे मैनेज एक्सपोर्ट, और यहाँ से हम एक एक करके सारों को डाउनलोड करेंगे। ये एक बार हमें पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा, इसमें मैनेज एक्सपोर्ट पर करते हैं, और ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया। डाउनलोड पर हम एक एक करके कर सकते हैं, जो कि 2 GB का हो रखा है। हम क्लिक किया हमने डाउनलोड पे, और हमारा थोड़ा इंटरनेट फास्ट है तो पहला डाउनलोड हो गया, और जैसे ही जो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका होगा वो डाउनलोड पे टिक का निशान आ जाएगा। ये हमने 3 ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, और जो डाउनलोड अभी पेंडिंग है उसमें एरो डाउन का ऑप्शन आया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और नीचे बॉटम पे आपको दिख रहा होगा कि हमने सारे डाउनलोड एक एक करके कर लिए हैं। तो आप भी ये ऑप्शन अपनाइए और अपना बैकअप 1 जून से पहले सारा ले लीजिए, ताकि आपका बैकअप पूरा रह जाए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।